हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदय चैनल। मैं आप लोग के लिए वोकैबुलरी सेशन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं, इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। डेली 5 वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसको मैं आपको ऑन स्पॉट याद कराने की भी कोशिश करता हूँ, और मैं टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए, आप लोग जो यहाँ पर सीखने आ रहे हैं वो टेक्निक सीखने आ रहे हैं। अगर आप लोग को एक बार टेक्निक समझ में आ गई तो फिर आप लोग खुद ही सीखना, खुद ही से याद करना शुरू कर दोगे, खुद ही समझना शुरू कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वोकैबुलरी का सेशन, ठीक है। सबसे पहला वर्ड हमारा जो है आज है डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, ठीक है। पहली चीज तो वर्ड को 3 बार बोलेंगे, डेरिसिव डेरिसिव डेरिसिव, ठीक है। अब इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, मॉकिंग रिडिक्यूल, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द बुली लेट आउट अ डेरिसिव लाफ व्हेन मॉकिंग हिज क्लासमेट्स नर्डी क्लासेस। मतलब अपने जो क्लास में एक लड़का था उसके जो उसने क्लासेस में, जैसे होता है ना क्लास में कभी कभार आपने देखा होगा क्लासेस में कुछ बच्चे होते हैं, उनमें से कोई बच्चा बहुत पढ़ाकू होता है तो उसके चश्मा लगा होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लास में बदमाश टाइप के होते हैं जो उसका चश्मा निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब वो उसका चश्मा निकालेगा तो वो उसके ऊपर कैसे हंसेगा, डेरिसिव लाफ। डेरिसिव लाफ मतलब व्यंग्यात्मक हंसी, वो हंस रहा है उसकी बेबसी पे हंस रहा है, ठीक है। चलिए, तो डेरिसिव का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। मतलब डेरिसिव का मतलब दो हर बहुत तरह की लाफ होती है, ठीक है। हंसने के भी काफी तरीके होते हैं। एक होता है आप हंस रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है, ठीक है। एक होता है किसी की मतलब बेबसी पे और उसकी दुर्दशा पे हंसना, तो ऐसी लाफ को बोलते हैं डेरिसिव लाफ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इविल टाइप की होती है। देखिए, वर्ड्स का ना मीनिंग समझिए, लेकिन वर्ड्स का डिफरेंस भी समझिए। अगर मैं बोल रहा हूँ लाफिंग और डेरिसिव लाफ, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा किस तरह की हंसी है, ठीक है। एक्चुअली देखो, वर्ड्स होते क्या है, मैं तुम्हें समझा दूं। वर्ड्स होते हैं किसी भी एक ह्यूमन एक्सप्रेशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट नाउन चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम चल रहे हो तो चलना वॉकिंग होता है, लेकिन लड़खड़ा कर चलना स्टम्बलिंग होता है, बात समझे। तो हर चीज को बताने का एक तरीका है, ठीक है। चलो, तो आज हमने पहला वर्ड क्या पढ़ा, डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। तो आप सोचो, इस क्लास में एक लड़का बैठा हुआ है जिसका सब मजाक बना रहे हैं उसके चश्मे का, तो वो एक तरह से डेरिसिव लाफ हुआ जब आप उसकी बेबसी पे हंस रहे हो, उसकी दुर्दशा पे हंस रहे हो। चलो, अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, इसको याद करने का तरीका देखो ये है, देर से रिसीव। डेरिसिव इसका निमोनिक मैं बना रहा हूँ, निमोनिक मतलब याद करने का तरीका। तो डेरिसिव का मतलब हुआ देर से रिसीव। जब आप कोई चीज देर से रिसीव करोगे तो आप क्या करोगे, जो जो भी, जैसे मान लो जो आपको देर से वो सामान देगा तो आप उसका मजाक बना सकते हो, है कि नहीं, कि यार तुम अपना काम ढंग से नहीं करते हो, है कि नहीं। तो डेरिसिव को याद करने का तरीका हो गया देर से रिसीव। तो जब हम कोई चीज देर से रिसीव करेंगे तो हम किसी का मजाक बना देंगे कि तुमने हमें बहुत देर में दी ये चीज। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है रिकटी। रिकटी का मतलब क्या होता है, ये सब जो एग्जाम्स में आते हैं वो बता रहा हूँ। रिकटी का मतलब होता है ढुलमुल, टामाडोल। जैसे मान लो तुमने अपने इलाकों में या फिर जहां पे भी तुम रहते होगे, तुमने देखा होगा कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो बिल्डिंग गिरने लायक, मतलब ऐसा होता है गिर जाएंगी अभी अभी, तो वो उनकी स्थिति कैसी होती है, वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में होती है, धूलमल, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है she then directed uses, देखना, she then directed them to the fourth floor giving them the choice of stairs or a rickety lift। मतलब उसने कहा कि तुम चौथे माले पर चले जाओ, या तो तुम सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लो या फिर जो ढुलमुल लिफ्ट है उसका इस्तेमाल कर लो। मतलब जो हमारी लिफ्ट है वो रिकटी है। तो जब भी आपको कोई चीज दिखाई दे जो जो डामाडोल टाइप की हो, ढुलमुल टाइप की हो, वो कैसी है, रिकटी है। इसका निमोनिक हम लोग बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी को क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट जब कोई खेलता है तो क्रिकेट मान लो पहली बार क्रिकेट खेल रहा है, बल्ला नहीं पकड़ पा रहा है, बैट्समैन होगा, पहली बार क्रिकेट कोई बच्चा खेलता है बल्ला नहीं पकड़ पा रहा है, तो एक तरह से वो ढुलमुल स्थिति में, ठीक है। या फिर अपने आसपास की चीजें देखो जो भी ऐसी लगे कि एकदम ही, आपके घर में भी होगा स्पेयर सामान जो एकदम ही खराब होने की स्थिति में होगा, तो डामाडोल स्थिति में होगा, है ना, समझ रहे हो। चलो, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चीजों को रिलेट करके पढ़ा करो, जल्दी ब्रेन को याद होगा। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है फोरक्लोज। फोरक्लोज का मीनिंग क्या होता है, फोरक्लोज का मीनिंग होता है रूल आउट और प्रिवेंट करना। मतलब किसी चीज को पहले से ही हटा देना कि ये चीज हो ही नहीं सकती। जैसे इसका यूसेज देखें, द डिसीजन इफेक्टिवली फोरक्लोज्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिज अर्ली रिहैबिलिटेशन। मतलब जो डिसीजन था उसने पहले ही बता दिया कि इसका कोई रिहैबिलिटेशन नहीं हो सकता, ये बात अपने दिमाग से भूल जाइए। तो फोरक्लोज का मतलब होता है वर्जित करना, पहले से ही किसी पॉसिबिलिटी को हटा देना,
रूल आउट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज काम कर रहे हैं तो उस काम को करते वक्त आपको लगा कि यार ये काम में ये चीज तो नहीं होगी, ठीक है, तो आप उसको पहले ही रूल आउट कर देते हो कि हाँ ये चीज नहीं हो सकती है, बाकी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और इसको याद करने का तरीका क्या है, फोर क्लोज को तोड़ के पढ़ो, फोर प्लस क्लोज, फोर मतलब पहले, फोर ए मतलब पहले, क्लोज माने बंद कर देना, तो पहले से ही बंद कर दिया मतलब पहले से ही रूल आउट कर दिया। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, फोर प्लस क्लोज मतलब फोर मतलब पहले, क्लोज माने बंद कर देना, तो पहले से ही बंद कर देना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है स्लंप। स्लंप बहुत आसान वर्ड है, इसका मीनिंग शायद सबको पता होगा। इसका मीनिंग होता है कीमतों में कमी आना, तो जब भी कभी प्राइसेस में कमी आती है तो उसको बोलते हैं द स्लंप इन प्राइसेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द स्लंप इन प्राइसेस, तो जब भी सडन फॉल हो प्राइसेस में तो उसको स्लंप बोलते हैं। इसको बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, स्लंप सुनाई देने में स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, स्लंप देखो स्लंप, स्लंप में एक स्लो डाउन का साउंड आ रहा है, स्लंप वर्ड में स्लो डाउन का साउंड आ रहा है, तो स्लो डाउन मतलब कीमतों में कमी आ रही है। बात समझ में आ गई, तो सिंपल सा था, मैंने आपको समझा दिया कि स्लंप का मीनिंग क्या होता है। ऐसे ही देखो रिलेट करते करते और रिवीजन करते करते पढ़ोगे, अपने आप आ जाएगा, सेंटेंसेस में यूज करोगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अपने आप आ जाएगा। लैंग्वेज देखो एक दिन में नहीं आती, लैंग्वेज को कम से कम आने में 6 महीना तो लगेगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है प्राइज। प्राइज मतलब होता है किसी चीज को बलपूर्वक खोलना। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा है द जो वॉज ट्राइंग टू प्राइज द कैप ऑफ अ बॉटल ऑफ पेन किलर, मतलब जो एक बोतल को बलपूर्वक खोल रहा था, प्राइज द कैप ऑफ द बॉटल, बॉटल के ढक्कन को बलपूर्वक खोल रहा था। जो वॉज ट्राइंग टू प्राइज द कैप ऑफ बॉटल, मतलब जो बॉटल का ढक्कन है उसको वो बलपूर्वक खोल रहा था। तो किसी भी चीज को अगर आप बलपूर्वक अलग करते हो या बलपूर्वक हटाते हो, मतलब फोर्स से विद फोर्स, तो उसको प्राइज बोलते हैं, ठीक है, पी आर आई एस ई। और इसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, पी आर आई जेड ई। आपने देखा होगा प्राइस के लिए लड़ाई रहती है लोगों के बीच में, ऐसा होता है कि नहीं होता है, अगर काफी अगर एक प्राइस पाना है तो उस प्राइस के बीच में काफी लोगों के बीच में लड़ाई होती है। तो जब काफी लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है इसका मतलब कि उसमें बल्ब का इस्तेमाल होगा, तो जब भी प्राइस है मतलब उसको आप बलपूर्वक खोल रहे हो। तो आज मैंने आपके साथ 5 वर्ड डिस्कस किए, कौन कौन से, डेरिसिव, रिकेटी, फोरक्लोज, स्लंप एंड प्राइस, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। डेली 5 वर्ड्स मैं आपको इस चैनल पे दूंगा, वोकैबुलरी की चिंता मत करो, बस इस सेशन को देख लेना, आपको मैं याद भी करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं मेरा ऐसा मानना है वर्ड का सेंस आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का सेशन खत्म करते हैं, कल 4th सेशन होगा, ऐसी डेली सेशन आते रहेंगे 5-5 वर्ड के, ठीक है स्टूडेंट, जुड़े रहिएगा, थैंक यू।